यार मैं फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है कहीं मेरे बालों का सत्यानाश ना हो। क्या अमेज़न वालों, क्या करते हो यार? अमेज़ॉन से जो प्रोडक्ट्स मंगाए थे उनकी ओपनिंग भी करनी है, अब अपने बालों को कलर भी करना, अभी इतने सारे काम करने हैं, अब तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। एनर्जी होनी चाहिए यार बंदे में, तभी तो काम होता है, नहीं तो काम होता ही नहीं है। तो इससे अच्छा अपना पेट भरो, उसके बाद बाकी सारे काम शुरू करो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिन के 3 बज गए हैं, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि धूप ही निकलती यार। तो जब 3 बज गए मैंने सोचा कि यार आज भी वीडियो नहीं बनेगा, फिर मैंने बाहर देखा और रियली में धूप निकल गई है, तो मैं आ गई वीडियो बनाने। क्योंकि देखो धूप के बिना तो वीडियो बनेगा नहीं ना, मेरे कमरे में जैसे अंधेरा अंधेरा सा रहता है क्योंकि मतलब इतना बड़ा नहीं है, CFL कहते हैं उसको, वो इतना बड़ा है नहीं है। और जब तक धूप नहीं होगी वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि वो गोल वाला लाइट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ रिंग लाइट भी नहीं है मेरे पास, तो धूप का वेट करना पड़ता है जादू की तरह। तो हम जादू में धूप का वेट करते हैं, जब धूप आएगी तो वीडियो बनेगी। और मुझे आपके साथ शेयर करना था अपने, मैंने अमेज़न से कुछ मंगवाया था और कुछ गिफ्ट है। जो मैंने मंगवाया है वो है हेयर कलर, और जो अनदर वन है वो है मेरा गिफ्ट, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जस्ट करता हूँ ऊपर यहाँ से, तो ये रहा, ये देखो, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 डब्बे हैं, मैं आपके साथ खोलने वाली हूँ इनको, आपको बताने वाली हूँ कि इसमें क्या है। सी फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ हेयर डाई, और ये तो कुछ 275 रुपए का है, और इसमें डेवलपर नहीं आया, यूटिका प्रोफेशनल अमोनिया फ्री क्रीम हेयर है, और इसमें डेवलपर नहीं आया तो मैंने इसका रिटर्न लगा दिया। पता नहीं इसमें डेवलपर होता है या नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि मिक्स 1:1 डेवलपर आना चाहिए था, तो नहीं आया। तो अब मैं तो, क्या अमेज़न वालों, क्या करते हो यार, क्या है, क्रीम भेजती हो तुम लोगों ने, डेवलपर का भेजा तुम्हें, क्या फायदा बताओ हा? ये क्या निकला है इसके अंदर, कुछ और भी है? ये तो सॉरी का नोट है, सॉरी निशा मैम, हम आपको डेवलपर नहीं भेज पाए इसलिए हमें माफ कर दीजिए। चलो ठीक है माफ कर दीजिए। कुछ नहीं है यार, रेट का प्राइस का वगैरह। लोन का हेयर डाई, और ये कलर है ब्राउन, मींस मेरे ब्लैक कलर के हेयर है तो ये हल्का सा ब्राउनिश कर देगा। लेट्स ट्राई टुडे, आज ही करेंगे ट्राई, ठीक है? तो कहीं जाना मत, कलर ट्राई करना है और आप मुझे बताना है कैसा कलर है, देखते हैं क्या क्या है। अमोनिया फ्री लिखा हुआ है पर होता तो नहीं है। मतलब मेरी तरफ से मुझे को गिफ्ट है, और ये है एक हेयर बैंड, यू कैन सी दिस हेयर बैंड। मोगली ने मेरे सैंडल काट दिए थे, आपने मेरा लिए ये मतलब सर्दियों टाइप के मंगवाए हैं, मतलब इसमें मुझे ठंड नहीं लगेगी। कुछ बैलेरीना, मतलब बैलेरीना नहीं है, और लोफर मतलब 1200 कुछ के आसपास का है, और ये भी गिफ्ट है मेरी तरफ से। शूज है अभी नए हैं तो बेड पे रख सकते हैं ना, और देखो कितना कचरा भर रखा है इन्होंने, इतनी क्या डाल रखा है यार, ये भी समझ नहीं आता क्यों डालते हैं। चलो ये समझ में आता है, टैगिंग होनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि न्यू है, तो इसको कट कर दें। मैं आपको बेयर जल्दी दिखाती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है ये, है जी एक, हाँ
डेवलपर, और इसमें साथ में आया है ये क्या बोला है, अमोनिया फ्री कलरेंट। ठीक है चलो ये डेवलपर आ गया, क्योंकि दूसरा वाला जो मेरा कलर था ना उसमें डेवलपर नहीं आया था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, मतलब रिटर्न लगा दिया। और आया है इसके साथ एक आफ्टर कलर कंडीशनर। ठीक है आफ्टर कलर कंडीशनर, और क्या है इसके अंदर सब निकल, हाँ ये ग्लव्स हैं, ग्लव्स इसको पहन के कलर करना है। और ये है इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने लिखा हुआ है कि इसको बहुत कमी से यूज करें वरना ये आपके बालों पे कलर नहीं छोड़ेगा। कलर तो करना पड़ेगा ना, और इसको यूज करना है, कैसे करना है इसको यार, मैं फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है कहीं मेरे बालों का सत्यानाश ना हो जाए। डेवलपर मिला देंगे कलरेंट, और ये कलरेंट में पता चला। तो ग्लव्स मैंने पहन लिए, और अब मैं अपने हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। बाल के ऊपर अच्छे से डाई करूं तो एक डब्बा और चाहिए मुझे, पर ठीक है मैंने थोड़ा ही यूज कर लिया। अब मैं इस बाल इन बालों को रोल ओवर करके अच्छे से हेयर वॉश कर लिया था उसके बाद, और कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कलर आया है हल्का हल्का, ये है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। अब धूप तो है नहीं है वरना मैं आपको दिखाती, बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट, मतलब ठीक है। मुझे लगा था थोड़ा और लाइट शेड आएगा क्योंकि लाइट गोल्डन लिखा हुआ था, तो शायद धूप आ जाए और उसके बाद मुझे पता चले। ओवरऑल आई एम ओके विद दिस कलर, एंड Maybe I will try it again. Next time I will try that ash blonde color. Definitely. Bye. और हाँ आपको वीडियो कैसा लगा, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और please like, share and subscribe my video.